कंपनीज प्रोफाइल के सर्चर मिलते नहीं है। इसने पिछले एक साल से कई घटनाएं कर रखी हैं और नोएडा के हर्ट में कर रखी है। उपकरण है बता रहा है कि जो वेल्डिंग वाला यूज होता है, कुछ एसी वेसी में पाइप पाइप का भी बता रहा था, उसी से इसको गलाते हैं। इससे टोटल 10 सोने की चेन रिकवर हुई है, 5500 रुपए रिकवर हुए हैं। देखिए थाना 20 पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए एक बहुत ही शातिर चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया है। ये जो चेन स्नेचर है पिछले एक साल से नोएडा के पॉश एरियाज में सेक्टर 1, 19, 27 जो नोएडा के पॉश एरियाज है वहाँ पर ये सक्रिय था। उसने तमाम चेन स्नेचिंग को वहाँ अंजाम दिया। इस चेन स्नेचर के पास से कई घटनाओं में लूटी गई 10 सोने की चेनें बरामद हुई हैं, 5500 रुपये इसके पास से कैश बरामद हुआ है तथा वो मोटरसाइकिल अपाचे बाइक जो इसी अभियुक्त के नाम पर रजिस्टर्ड थी जिससे ये घटनाओं को अंजाम देता था वो मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इसके अलावा एक उपकरण है जो स्प्रे की तरह से है और जो सोने की चेने लूटता था उसको गलाने का उसके द्वारा उससे काम किया जाता था। इस तरह से अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। अभिषेक झा इसका नाम है और ये मूलतः रहने वाला आगरा का है और बीएससी सेकेंड ईयर का अपने आपको ये छात्र बता रहा है। पूछताछ में लगभग 20 वारदातों को इसने कबूला है, उनकी डिटेल ये अभी दे नहीं पा रहा है और जितनी डिटेल हमें प्राप्त हुई है और जो इससे माल रिकवर हुआ है तकरीबन 13 घटनाएं चेन स्नेचिंग की, पर्स स्नेचिंग की इससे जो है वर्कआउट हुई नोएडा पुलिस की और पिछले एक साल से ये नोएडा में रह रहा है और सक्रिय है और ये घटनाओं को लगभग एक साल से अंजाम दे रहा है। इसका प्रोफाइल क्या है? इसने स्कूलिंग कर रखी है और बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र है। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि ये चेन स्नेचिंग की वारदातें कैपिटल इकट्ठा करने के लिए कर रहा था ताकि अपना आगे कोई बिजनेस कर सके। पढ़ा लिखा है, संभ्रांत परिवार से है, ये आगे बिजनेस करने के लिए पैसे इकट्ठे करने के लालच में ये घटनाएं कर रहा था। सर किन लोगों को ये टारगेट करता था? जैसा कि पूछताछ में इसने बताया कि नॉर्मली जो अच्छे घरों की महिलाएं हैं और रात के अंधेरे में ज्यादातर इसे टारगेटिंग की है और गाड़ी के नंबर प्लेट पे एक व्हाइट कलर का टेप चिपका देता था जिससे वो नंबर जो है लोगों के समझ में ना आए। एक विशेष प्रकार का जैकेट भी हमेशा पहनता था ताकि इसका जो असली कपड़े हैं वो हमेशा छुपे रहें और ज़्यादातर जो गृहिणियाँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, कॉलोनी में घूमती हैं, उनको ये टारगेट करता था और अंधेरे में ज़्यादा ये वारदातें इसने कर रखी।